दोनों कॉम्पिटिटर और ये मुकाबला है राजा नवीद पीडब्ल्यूएफपी हेवीवेट चैंपियन और डैनी के बीच में, और हमारे साथ इस मैच के रेफरी हैं बिलाल। और ये मैच है हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और ये दोनों ही काफ़ी टाइम से इस चैम्पियनशिप के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इसका कोई अभी तक हल नहीं निकल पाया। जब भी इन दोनों के पीछे मैच होता है, किसी तरह ही आरजे फैट राजा नवीद ये मैच जीत जाते हैं। और ये मैच शुरू होने जा रहा है इन दोनों के बीच में, और रेफरी ने कॉल दे दी बेल की, और सब इस मैच को देखें। और ये मैच शुरू हो गया, हमारे आज का पहला मैच। जोर जोर से तालियां बजाएं इन दोनों के लिए। और राजा नवीद ने डैनी को पकड़ लिया है ब्लॉक में, और ये दोनों अपनी ताकत दिखा रहे हैं। कोने में लेके चले गए राजा नवीद, और बिल्कुल बदतमीजी करी है डैनी के साथ इन्होंने, लेकिन डैनी गुस्से में भी कोई गलत मूव ना कर दे। ओ, डैनी ने पछाड़ दिया एकदम राजा नवीद को। राजा नवीद को समझ नहीं आ रहा ये क्या हुआ उनके साथ। राजा नवीद वापस से, राजा नवीद को अब ज्यादा गुस्सा आ रहा है। पकड़ लिया, आर्म लॉक पे लेके चले गए राजा नवीद, और डैनी लॉक नहीं छुड़वा पा रहे, कोशिश बड़ी कर रहे लेकिन छुड़वा नहीं पा रहे, और एल्बो मार दिया है बैक ऑफ द नेक राजा नवीद पे। आयरिश व्हिप रोप टू रोप, और ये आए और शोल्डर टैकल, लेकिन डैनी इतने मजबूत है कॉन्क्रीट की तरह कि वो हिल ना सके, और इनके बीच में फिर से जंग शुरू हो गई है। अभी मुक्के चल रहे, डैनी ने तेज तेज मुक्के मारना शुरू कर दिए, पीछे गए और क्लोज लाइन डॉज, और ये फिर हेडलॉक ले लिया है राजा नवीद ने। राजा नवीद हमेशा इसी तरह की टेक्निक्स निकाल के, वक्त निकाल के अगले को थका के जीत जाते हैं मैच। काउंटर लिया डैनी, आयरिश व्हिप दिया, भागते हुए आए और शोल्डर टैकल, और डैनी ने राजा नवीद को नीचे पछाड़ दिया है। मार के डैनी को गिरा दिया है। आप लोग अपने शोर से बताएं आप किसके साथ हैं, राजा नवीद के साथ या डैनी के साथ। और डैनी ने अभी बाहर निकाल दिया राजा नवीद को, और ये पंच मार दिया है। डैनी बिल्कुल हड़बड़ा गए, राजा नवीद ने स्प्रिंग बोर्ड लिया और चला क्लोज लाइन डॉज करा और भाग कर आए, और ये उठा लिया सपोर्ट ड्रॉप पे। डैनी एक भी मौका नहीं छोड़ ले, एक भी मौका नहीं छोड़ ले। क्राउड बता नहीं रहा किसके साथ है, राजा नवीद के साथ या डैनी के साथ। शोर बचा के बताएं, सब डैनी की तरफ है भाई इस बार। और जबरदस्त क्लोज लाइन मारी डैनी ने दूसरे कॉर्नर से, का फिर क्लोज लाइन मार दी बीच में, और राजा नवीद ने काउंटर कर दिया, और राजा नवीद ने सेम टैक्टिक्स इस्तेमाल कर दिया डैनी पे। राजा नवीद कुछ फैसला लेते हुए दूसरे कॉर्नर पे गए, स्पीड पकड़ी, भागते हुए आए और फिर डॉच कर दिया डैनी ने। राजा नवीद को पकड़ लिया और काउंटर कर दिया राजा नवीद ने, वरना जर्मन सुप्लेक्स की बात हो रही थी। भागे करीब आए क्लोज लाइन डॉच, और यहाँ पे स्लिंग ब्लेड मार दिया राजा नवीद ने। मेरे ख्याल से मैच यही खत्म हो जाएगा अगर ये अपने हिसाब से आगे बढ़े तो। आपका पसंदीदा डैनी जमीन पे गिरा हुआ है, इसको चेयर अप करें ताकि इसको भी एनर्जी मिले। डैनी
डैनी खड़े हुए लेकिन मौके का फायदा उठा के फिर राजा रवि ने उठा के बैली टू बैक सुप्लेक्स मार दिया है डैनी को। रिंग के बीच में खींच लिया, पिन की तरफ चलेगा वन और वन पे ही किक आउट कर दिया है डैनी ने। सब आ गए डैनी की तरफ, ज्यादा तरह से डैनी की तरफ, राजा को कोई पूछ भी नहीं रहा, मतलब चैंपियन की इज्जत ही नहीं है। राजा नवीद ने बिल्कुल अपने हिसाब से सेटलमेंट कर दी है। अब राजा नवीद थर्ड रोप पे जा रहे हैं और मेरे ख्याल से ये मैच इस पे ख़त्म हो जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। राजा नवीद उठ गए और सबको पंप कर रहे हैं और काउंटर कर दिया डैनी ने। डैनी भागते हुए आए और बैली टू, ओ माय गॉड, हिप टॉस दे दिया है डैनी ने हिप टॉस दे दिया है। अब डैनी अपने कॉर्नर पे जा रहे हैं और डैनी किसी चीज के मूड में है और क्लोज लाइन कम बैग आ गया डैनी का। डैनी कम ऑन, और बच्चे सारे डैनी की तरफ हुए हुए हैं इस वक्त और डैनी ने उठाया फिर से और काउंटर ले लिया, इस पे धक्का दिया है डैनी को, क्लोज लाइन डॉज और ये आ गया जर्मन सुप्लेक्स। राजा रवि बिल्कुल ढेर हो चुके हैं इस वक्त, फिर से उठाया डैनी ने और एक और जर्मन सुप्लेक्स मार दिया राजा रवि को। डैनी ने फिर से राजा नवीद को उठा दिया और मेरे ख्याल से तीसरा और आखिरी होगा। ओह माय गॉड, तीन जर्मन सुप्लेक्स हो गए और राजा नवीद बिल्कुल डाउन हो गया है। और डैनी कॉर्नर में चले गए अपना स्पेयर चार्ज करने के लिए। डैनी ऊपर चले गए सुपर किक चार्ज करने के लिए और डैनी भागते हुए और ये नी मार दी और नी मारी, अब पिन से गिरी मार दी है डैनी को। राजा भी ने बैक पे उठा लिया है और ये मार रहे हैं गो टू स्लीप पार्टनर रिवर्स जीडीएस। अब राजा नवीद शायद ये मैच जीत जाए इस मूव के बाद क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है। वन टू और किक आउट कर दिया है डैनी ने। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये तो किक आउट हो गया। गेट से पीछे पीछे हो जाए, सब थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे हो जाए, गिर जाएगा भाई साहब पीछे हो जाए। तो राजा नवीद अब पूरे होश में और ये कॉर्नर पे चले गए। डैनी कॉर्नर पे आ गए हैं और फिर से चार्ज कर रहे हैं अपना फिनिशर जो कि इनका फिनिशर है स्पेयर। दोस्तों जरा बैरिकेड से पीछे हो जाए, थोड़ा सा बैरिकेड मुड़ ले, पीछे पीछे हो जाए, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए सारे, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए। डैनी अपना फिनिशर चार्ज कर रहे हैं और ये मैच अगर फिनिशर पड़ गया तो खत्म हो जाएगा यहीं पे। और यहाँ पे फेमसर मार दिया है राजा नवीद ने, राजा नवीद ने फेमसर मार दिया है। और अभी राजा नवीद उठे, क्लोज लाइन मारा एक और फिर दूसरी क्लोज लाइन मार दी। अब डैनी बिल्कुल डल हो गए हैं, राजा नवीद पूरा मौके का फायदा उठाते हुए ये आयरिश स्वीप दिया डैनी को। डैनी ने काउंटर किया, वापस आए, क्लोज लाइन डॉच करी है और ये लग गया और क्लोज लाइन मार दी, रनिंग क्लोज लाइन। अब राजा नवीद के पास पूरी की पूरी ओपनिंग आ गई है कि क्या कर रहा है और किस तरह मैच को अपने हक में लेके आना है। राजा
अभी इसने उठा लिया है कंधे पे, और ये ब्लू थंडर बम और एक काउंटर हो गया ये, और फिर डैनी ने कोशिश करी काउंटर की, यहाँ पे क्लोज लाइन डॉज करी, फिर पकड़ा और ये ब्लू थंडर बम मार दिया। ये मैच यही खत्म हो सकता है, 1-2 और सिर डैनी ने दो पे ही काउंट ब्रेक कर दी। अब राजा नवीद अपने कॉर्नर पे चले गए हैं और मुझे लगता अब मैच कंटिन्यू भी हो सकेगा। डैनी उठे, राजा नवीद थक गए, लेकिन डीप सिक्स पे काउंटर कर दिया है।